एलिवेशन कलर साइंस सिटी इंदौर पूरे मकान की हालत खराब हो गई है। 7 साल बाद अब पुतने जा रहा है मकान, जब से बनाया जब फर्स्ट कोटिंग कलर के हमने ऊपर से लगाना चालू कर दी है और पुट्टी की टचिंग भी हमने इसमें कंप्लीट हो गई है। ऊपर से हमने इसमें कलर चालू कर दिया है इस तरीके से, उसमें ऊपर से करते हुए हमें नीचे आना है। एलिवेशन के ऊपर से पट्टे ग्रीन वाले चालू कर दिए हैं जो मेहंदी कलर में है, वो करते हुए हमें ऊपर से इस एलिवेशन के कलर को करते हुए ऊपर से नीचे उतरना है। इसमें इस मकान के हमने अंदर से बाहर तक की सारी वीडियो बनाई है कि इस मकान में हमने क्या क्या कलर कैसे करा है, इस छोटे मकान में हमें किस तरीके से कलर करना चाहिए, इसमें सारी जानकारी आपको हम मेंशन कर रहे हैं इस वीडियो में। कलर क्या पट्टे देख रहे होंगे, हमने पहले ही मेहंदी वाले पट्टे इसमें निकाल दिए। अब इसके बाद में हमें डार्क पट्टा निकालना है, हमारा पेंटर भाई इस पर चढ़कर इस डार्क पट्टों को करने जा रहा है। आपको इसमें पट्टे क्लियर दिखना लग जाएंगे, इसमें देख सकते हैं आप कैसे हमने पट्टे क्लियर करे हुए हैं। सारा ही बारीकी से हमने पट्टे कंप्लीट करते हुए फाइनल किया है इस एलिवेशन को। एक एक कलर को मिला मिला कर क्या है इसमें कि कहाँ पर कौन सा कलर सूट होगा, और हम आपको दिखा रहे थे हमने कॉम्बिनेशन क्या है इसमें, गोल्डन का पट्टों पर किस तरीके से कलर देना है, फूल में क्या कलर करना है, इनको इस तरीके से हमने पूरा कलर कॉम्बिनेशन मिलाया है हमारे हिसाब से हमने, और बड़ा ही सुंदर और प्यारा लग रहा है। ये लाइट पिंक जयपुरी पिंक किया हमने इसमें दोनों बालकनियों में और पार्किंग में। इसके बाद में हमने हॉल के अंदर बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बिठाया है पीओपी में, ऊपर के पट्टों पर और दीवारों पर डार्क शेड और गोल्डन शेड का लुक काफ़ी बढ़िया लगता है आपके हॉल में। आप देख सकते हैं इसको क्लियर हॉल का। हॉल के बाद हमने पीछे वाले बेडरूम में ही इसी तरीके से पीछे भी कॉम्बिनेशन दिया है, देख सकते हैं आप पीछे के बेडरूम में पूरा कॉम्बिनेशन इसमें हमने उसी तरीके से मिला है। इसमें हमने किंग्स ऑफ किंग बर्जर का सेट से हमने इसको कलर को किया है ब्लू शेड में। इसके बाद हमने ऊपर वाले रूम में भी इसी तरीके से ब्लू और स्काई लाइट कलर से इसका कॉम्बिनेशन ऊपर वाले बेडरूम में भी इस तरीके से हमने उसे किया है। दोनों बेडरूमों में एक ही तरीके का पेंट किया हुआ है, बेडरूमों का कॉम्बिनेशन उसी तरीके से मिला है। इसके बाद हम आपको ऊपर की छत बताएंगे। छत में हमने एशियन का डैम प्रूफ वाटर प्रूफिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कल ही किया था हमने इसके ऊपर, सब धूल मिट्टी के कारण ख़राब दिख रहा है। इसके बाद में हमने ऊपर के टावर से जो एलिवेशन दिखता है उस एलिवेशन के पट्टे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इन पट्टों को दिया हुआ है। ये काफ़ी दूर से काफ़ी अच्छा बढ़िया लगता है दिखने में।